जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन कहीं आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई व्यापार करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वालों को आपको आज के दिन पत्नी से, मित्रों से अच्छे संबंध रहने का योग बन रहा है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय, आप पूर्ववत किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन कहीं व्यापार के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं अथवा फोन इत्यादि की सूचना के माध्यम से आपको शुभ संकेत प्राप्त हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन जैसे कि आप कोई भी हरित अथवा श्वेत व्यापार करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम कारक रहेगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त हो सकती है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय एवं नए पद की प्राप्ति, शरीर स्वास्थ्य आपका बहुत श्रेष्ठ उत्तम कारक रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपके लिए आज शत्रु आपके परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग होगा, घर परिवार वालों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहने वाला है। शनि साले साथी महादशा का अंतर आपकी राशि पर समाप्ति की ओर है। श्री हनुमान जी की आराधना करें। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना अथवा अटका हुआ काम व्यापार समाप्त हो सकता है एवं शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना, मांगलिक कार्य की योजनाएं बना सकते हैं। जमीन जायदाद, फैक्ट्री, भूमि, भवन आदि जैसे निर्माण कार्य की योजनाएं आपको आज के दिन मन में आ सकती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।